हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटले सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ये कंटेम्प्रेरी का एग्जाम देने जो भी जा रहे हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए है। तो आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक को करके जाना 100%, मैं ये बता दूं कि जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उस टॉपिक को 100% आपको करके जाना, उसमें कुछ कमी मत रखिएगा। इतना टॉपिक आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। तो ये सारे टॉपिक अगर आप करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, जो भी RMPSU के स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। आगरा के स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सीटेट 2020 अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो ये आप एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा। एजुकेशन क्या है, किस एजुकेशन का मीनिंग जो है वो क्या होता है, एडुक्टम होता है। फिर उसके बाद से जो है हिंदी में इसका देख लीजिएगा, शिक्ष धातु से बना है। तो ये दोनों तरीके से देख के जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से आने के ज्यादा चांस है। एंड उसके बाद औपचारिक शिक्षा एंड अनौपचारिक शिक्षा क्या है वो। फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का वैदिक शिक्षा है, फिर आपका बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है। एजुकेशन से रिलेटेड ये सारे टॉपिक को करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजुकेशन का। दूसरा जो आपको करना है मेकालिज मिनट। अब आपको पॉलिसीज से रिलेटेड, पॉलिसीज आपको बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों को अच्छे से करना है। तो मेकालिज मिनट आपको एकदम करके जाना है। ये कब बना था, उसमें उन्होंने किस पे फोर्स किया था, कौन थे लॉर्ड मेकाले का नाम, और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद है वुड डिस्पैच। फिर वुड डिस्पैच का आपको करना है। वुड डिस्पैच में भी जो है इसको मैग्ना काटा कहा जाता है। ये रिलेटेड इसमें इन्होंने कौन कौन से जो है सजेशन दिए थे वो सारी चीजें। चार्टर एक्ट 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, जिसके बाद जो है प्राची और पाश्चात्य के बीच में जो लड़ाई छिड़ी थी और जिसको सॉल्व करने के मेकालेज को बुलाया गया था, वो जरूर कीजिएगा। चार्टर एक्ट को एक बार खोल के देख लीजिएगा कि चार्टर एक्ट में एक्चुअली में मेन मेन पॉइंट क्या है। मेन मेन पॉइंट देखिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, मेन मेन पॉइंट से ही क्वेश्चन रहेगा। गोखले बिल को जरूर देख लीजिएगा, गोखले बिल से क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। जो है इन्होंने जो बिल पास किया था जिसमें प्राथमिक शिक्षा को यानी प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने की बात कही गई थी, और सबसे पहले इन्हीं के बिल में ये कहा गया था, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ठुकरा दिया गया था। ये 1911 की बात है। तो एक ये डेट जरूर कीजिएगा कब कौन सा जो है बिल निकला है। 1952 सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है उससे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये कब बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसको और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो मुद्देलर कमीशन है। माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है। कोठारी एजुकेशन, यानी कोठारी एजुकेशन में क्या, कोठारी एजुकेशन में जो जो सजेशन दिए गए थे वो जरूर कीजिएगा। इसी में जो है त्रिभाषा का सजेशन दिया गया था, इसी में जो है बहुत सारे नए नए नियमों के बारे में बोला गया था, जो कि 1986 में 1986 में जाकर के लागू हुई। तो ये कोठारी एजुकेशन करना है। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी का मेन मेन हाईलाइट पॉइंट देखना है, इसमें क्या है। तो 1986 में जो है ये सबसे पहली यही नीति थी, ये एक्चुअली में ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है 1968 में आई थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं रही। 1986 में ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो पूरे राष्ट्र में एक ही सिस्टम पे लागू किया गया था, एजुकेशन को एक ही सिस्टम पे। तो ये है, इसके और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो आप पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या किया गया था। फिर 1986 की पॉलिसीज को मॉडिफाई किया गया 1992 में, जो जो चेंजेस थे। तो वो चेंजेस क्या हुए थे, तो चेंजेस जो है वुमेन यानी कि औरतों एंड अल्पसंख्यकों के जो नियम बने थे उसको मॉडिफाई किया गया था, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया था, उसको अपग्रेड किया गया था। और उसी में जो है इग्नो का भी जो है ओपन एजुकेशन के बारे में भी जो है किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान भी बहुत जरूरी है, इसमें क्या क्या चीजें हुई, कैसे ये लागू किया गया और कैसे ये सक्सेसफुल रहा सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में पढ़ना है। 2005 NCF नेशनल करिकुलम, सबसे पहले तो NCF का फुल फॉर्म कर लेना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया। इसका जो है मेन मुद्दा क्या था, तो इसका मुद्दा था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों को पढ़ाना है बोझ के बिना, ये सब चीजें। रोट मेथड को खत्म किया गया था, यहाँ से बहुत सारे चेंजेस हुए NCF 2005 से। तो उसके हाईलाइट पॉइंट को सिर्फ देख लेना। 4 बजे के क्लास में ये क्लास करवाया गया है, नहीं होगा अगर समझ में ना आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एक बार खोल करके देख लेना।
2020 की एनईपी, इससे रिलेटेड जो है मैंने क्वेश्चन करवाया है 2020 की एनईपी से, जो जो अब होने वाले हैं जो चेंजेस थे वो कर लेना है। संविधान से रिलेटेड वो सारी चीजें करनी है जो कि नियम बनाए गए हैं एजुकेशन को लेकर के, वो आपको कर लेना है कि संविधान से रिलेटेड कौन कौन से नियम बने हैं। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी वंचित वर्ग से क्वेश्चन जरूर करना। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन तो पहले होते क्या है, इसमें किस किस तरह के बच्चे आते हैं, बस इतना ही, ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछने वाला है। फिर उसके बाद से जो है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बाद से आप देखोगे एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एनसीटीई है, इन तीनों को तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फुल फॉर्म करना है इसका। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है, और एक और मैं ऐड कर दूंगी आपका है सीबीएसई का फुल फॉर्म। ये सारे चीजों का फुल फॉर्म आपको कर लेना। और ये किस लिए बनाया गया, यूजीसी किस लिए है, तो यूजीसी जो है यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए है, एनसीईआरटी कैस किस लिए है, किस लिए है, सीबीएसई किस लिए है, ये कर लेना। ये 15 कंपलसरी टॉपिक है फ्रेंड्स, ये 15 जो है पूरी तरीके से कंपलसरी टॉपिक है जो आपको करके जाने हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मिड डे मील देख लेना है, मिड डे मील को अगर टाइम मिले, ये 15 करने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो मिड डे मील और जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन निकाला गया था, जो 1988 में निकाला गया, 1987 टू 88 आता है, उसका ईयर याद कर लेना, वो किस लिए किया गया था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो वो कर लेना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं, इतना करके जाओ, देखो आपको मार्क्स जो है यहीं से आ जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।